प्रकृति संपूर्ण संगीत है, जीवन महज एक नृत्य है और इन सभी का आधार प्रेम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं अंजना। बिल्कुल, और दूरदर्शन हिमाचल के जो नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम है वो आप सभी का स्वागत है। और जैसे प्रिया आपने कहा कि हिमाचल की सुंदरता से जो है वो प्रकृति के साथ बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन अगर ये प्रकृति है और उसके साथ संगीत है तो ये जो प्रकृति का नज़ारा है वो बहुत सुंदर हो जाता है। और नमस्ते हिमाचल की भी हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके सुबह को संगीतमयी बनाया जाए, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आप संगीत का आनंद लें। तो इसी के चलते आज नमस्ते हिमाचल में हमारे साथ जो विशेष अतिथि है वो है प्रवेश निहालटा जी, जो कि हिमाचल की जानी मानी आवाज़ है। चौपाल शिमला से ये बिलोंग करते हैं और आप इनकी आवाज़ के साथ इन्हें पहचानते होंगे और हम ये कह सकते हैं कि विरासत में इन्हें जो ये संगीत मिला है, क्योंकि इनके माता पिता भी संगीत से जुड़े थे और उनका भी अपना एक नाम था संगीत की दुनिया में, ऐसी ही अपनी पहचान इन्होंने भी बनाई है। तो स्वागत है प्रवेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में नमस्ते हिमाचल में। जी, तो सुबह की, जैसे आपने कहा कि सुबह की शुरुआत है, जब भी हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं या सुबह की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली भगवान के नाम से होती है। तो हम चाहते हैं कि भगवान के नाम के साथ ये शुरुआत हो और भजन अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों के लिए तो सुबह और ज़्यादा संगीतमय हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भजन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मेरी शुरुआत हुई वो एक भजन से हुई थी। मैंने सबसे पहले अपने स्कूल में 5th क्लास में एक भजन गाया था जी, अनूप जलोटा जी का जी। तो मैं कोशिश करता हूँ उसी भजन को गाने की। जब हम पैदा हुए जग से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए, चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसदीनी, चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसदीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरख बनाया, चित तो की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैली चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत खूब, बहुत खूब, और इतनी अच्छी सुबह की शुरुआत हम कह सकते हैं प्रिया की हो ही नहीं सकती, और इतनी अच्छी आवाज़। और प्रवेश, जैसे आपने कहा कि 5th क्लास में आपने ये गाना गाया था, तो
बस यहीं से आपकी शुरुआत करना चाहते हैं कि जब आपने ये गाना गाया, कैसे आपका ये सफ़र फिर संगीत का शुरू हुआ, और जो हमें जो बचपन में तारीफ मिलती है ना किसी भी काम करने की, तो वो हमारे मन में हमेशा हमें एक एनकरेज करती है हमें, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा था? जैसे आपने बोला कि संगीत मुझे विरासत में मिला, लेकिन जी ये तो ठीक है कि विरासत में मिला, लेकिन उसको सीखना तो पड़ा। बिल्कुल सीखना तो पड़ता है। जी जी। तो मेरी ज़िंदगी में भी गुलाम अली साहब और अनूप जलोटा जी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जी। जब मैं छोटा था तो मैंने गुलाम अली साहब को सुना और अनूप जलोटा जी को सुना। जी। तो मुझे लगा कि संगीत ये संगीत कुछ अलग है, तो मेरा ध्यान शुरू से भजन और गज़ल की तरफ गया। जी जी। तो फिर मैं इनको गाने की कोशिश करता था, अनूप जलोटा जी को। तो मैंने बहुत सारे भजन गाए अपने स्कूल में, शुरुआत हुई। तो फिर मेरी माताजी बहुत मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा मुझे इसमें सहयोग दिया संगीत में। उन्होंने मुझे हारमोनियम लिया। फिर मैं सेवन्थ क्लास में जो हूँ हारमोनियम के साथ गाना सीख लिया था। मैंने पहली परफॉर्मेंस हारमोनियम के साथ सेवन्थ क्लास में की थी। फिर एट्थ क्लास में मैं एक जोनल टूर्नामेंट होता है स्कूल में, उसमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इस तरह से बस ये शुरुआत चलती रही, फिर मैं गाता रहा। जी। और विरासत की आपने बात की थी कि विरासत में आपको संगीत मिला है। अगर आपके पिताजी की बात करें तो आपके पिताजी ने भी काफ़ी नाम उनका म्यूजिक में है, तो किस तरह की मोटिवेशन आपको उनसे मिलती है और किस तरह का साथ उनका आपके साथ था? जी, उनका तो बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है। जी। क्योंकि मैंने भी अपने पापा को पहली बार टीवी में ही देखा था। जी जी। तो उनको देखते लगा कि नहीं, ये असली संगीत है, क्योंकि वो हारमोनियम के साथ जब गाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जी। वो उनका बहुत बड़ा नाम था हिमाचल में, और उनके बहुत सारे भजन गज़ल कंपोजिशन है। तो उनका तो हमेशा ये बहुत बड़ा साथ रहा, एक मोटिवेशन रहा ही रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी कहा कि मोटिवेट तो हमें सभी करते हैं, यानी कि प्रेरणा स्रोत भी हमारे, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है आवाज़ के लिए, और आपने अपने माता पिता को जब टीवी पर देखा था तो बहुत अच्छा आपको लगता था। तो आज के समय में जब आप भी, जैसे अभी दूरदर्शन पर आप आए हो और भी आपने बहुत सारे ऑडियो वीडियोज़ दिए हैं, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने मुकाम जो आप चाहते थे वो हासिल कर चुके हैं? क्योंकि और भी हम आपके बारे में जानना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन अभी जो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो होती है अपने काम से लेकर, वो कैसा आप महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम दूरदर्शन या रेडियो से गाते हैं, एक बहुत बहुत ही अच्छा महसूस होता है। क्योंकि हमने जब ऑडिशन शुरू में दिया था तो मैं पहली बार फेल हुआ था रेडियो से, तो मुझे कहा गया था कि भाई फेल करना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम सीखोगे आगे। तो ये ज़रूरी है, आज अच्छा लगता है, आज हम इस मुकाम पे, आज हमारे बच्चे हमारे को देखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम और भी अच्छा काम करें संगीत को, सुर में संगीत होना चाहिए। बिल्कुल जी। और बहुत कुछ हमने और भी आपके बारे में जानना है, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए एक और संगीत आप सुना दें। और इस बार जैसे इन्होंने गज़ल की बात की, तो हम चाहते हैं कि गज़ल अगर आप सुनाना चाहें तो बहुत। मैं एक अपने पापा की गज़ल, उनकी कंपोजिशन है, उनको उसको सुना जी। हमने हाल गमे दिल सुना दिया, महफिल में हमने हाल गमे दिल सुना दिया, भी बहाए आश्क उन्हें भी रुला दिया, महफिल में
हमने हाल बस एक दिल के सिवा और कुछ नहीं, बस एक दिल के सिवा और कुछ नहीं, ये देख एक दिल था उसे भी गवां दिया, ये देख एक दिल था उसे भी गवां दिया, महफिल में हमने हाले गमे दिल सुना दिया। क्या बात है, क्या बात है। और ये महफिल जो आपने जमाई है आज, और आपके हाले दिल को हम जानना चाहते हैं। और प्रिया, मैं भी अब इनसे यही जानना चाहती हूँ कि जो अगर आप अपने आप को बयां करना चाहते हैं, क्योंकि कलाकार का मन जो है ना, वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होता है, सोच अलग होती है, तो आप अगर अपने आप को बयां करना चाहते हैं तो आपका मन कैसा है, कैसा आपका व्यवहार है, अपने नेचर को अगर आप अपने शब्दों में बयां करना चाहें तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा व्यवहार बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने गज़ल को बहुत अच्छे से सुना है और गज़ल को समझता भी हूँ। बिल्कुल। क्योंकि गज़ल जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी को अपनी बात, अपने दिल की बात को कहने का। जी, तो व्यवहार अच्छा है। बाकी जहाँ तक इसकी बात रही कि मैं कैसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा अपने आप को, तो मेरा जो, जब मैंने गज़ल को सुना, गुलाम अली साहब को सुना, मेरे फादर तो गाते ही थे, अनुज लोटा जी को सुना, फिर उसके बाद मैंने हरिहरन जी को सुना, तो मैंने उसके बाद कभी फिल्मी गीत भी नहीं सुने। जी बिल्कुल। मेरा जो पूरा ध्यान रहा वो गज़ल के लिए। ऐसा माना जाता है, गज़ल को ज़्यादा प्रमोशन किया मैंने। गंभीर स्वभाव जो होता है ना, वो गज़ल की तरफ जो झुकाव होता है, वो गंभीर स्वभाव उनका होता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों प्रिया? जी तो अगर हमने गज़ल की बात यहाँ पर कर ली, भजन हमने सुन लिया, और डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे हमारे नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम को। अगर अंजना, हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें गर्व होता है, कि गर्व है हमें विरासत में मिली अपनी संस्कृति पर, जिसे जीवित हमने रखा है। और अगर आपसे एक प्रश्न, बहुत बड़ा सवाल है ये, कि आप संस्कृति को किस तरह संगीत के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं? जी, मैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितने हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं उसको प्रेजेंट किया जाए, उसको गाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को भी ये पता चले कि उस समय, उस दौरान किन लोगों ने कैसे संगीत को बढ़ावा दिया होगा, कितने वो लोग कैसे एक अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने इतने सारे गाने कंपोज किए, इतने अच्छी धुन, इतने अच्छे लिखे हुए गाने हैं, उसको गाते रहना चाहिए। मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं गीतों को ही गाता रहता हूँ, और स्टेज पे मैं ट्रेडिशनली गाता हूँ, तो मैं इस तरह से बढ़ावा दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसे हिमाचली की संस्कृति की बात हो रही है, और हिमाचली संस्कृति जो है, जैसा प्रिया ने कहा कि विरासत हमें मिली है, और लोक संस्कृति आपकी पहचान है, और लोक संस्कृति और लोकगीतों के माध्यम से आपने अपनी पहचान बनाई है, तो हम भी यही चाहते हैं कि अब आप अपना जो हिमाचली संगीत है वो दर्शकों तक पहुँचाए, और कुछ पहाड़ी लोकगीत हमें सुनाएं। मेरा एक गीत है जो काफी लोगों ने सुना है, उपजा, उसको कोशिश करता हूँ। बोला भिट तो हंडले बेंडे कुब
ढिलिए बिखे कुबजा ढिलिए बिखे बोला भिट्ठी तो हंडले बेंडे कुबजा ढिलिए बिखे कुबजा ढिलिए बिखे कुबजा ढिलिए बिखे हाय कुबजा ढिलिए बिखे बोला मोरे जेबे सबके तुए के दोष के कुबजा के दोष के कुबजा के दोष के हाय कुबजा के दोष के बोला मुरारे जेबे सबके तेरे कर्मो लिखे कुबजा कर्मो लिखे कुबजा कर्मो लिखे हाय कुबजा कर्मो लिखे बहुत खूब बहुत खूबसूरत। और अंजना, जब हम अपने लोकगीत की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, और जैसा कि अभी हमने सुना, तो उसके बाद हमारे पैर तो थिरकते ही है, साथ में चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। डेफिनेटली हमारे जो दर्शक है वो भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम को। अगर हम बात करें कड़े परिश्रम की, किसी भी इंसान के जीवन में जो है एक कड़ा परिश्रम उसे करना पड़ता है, एक स्ट्रगल पीरियड होता है किसी ना किसी की जिंदगी में, तो अगर आपकी बात करें तो आपके जीवन में किस तरह का कड़ा परिश्रम रहा? नहीं, परिश्रम तो करना पड़ता है जी। संगीत भले ही विरासत में मिले, उसको सीखना तो पड़ता है। मैंने भी बहुत रियाज किया जी। संगीत को सीखा, अलग अलग गुरु से सीखा जी। सबका अपना एक स्टाइल है, एक्सपीरियंस है सिखाने का जी, जी, जी। तो मैंने भी सबके साथ संगीत को सीखा और मैंने विशारद किया सबसे पहले लखनऊ विद्यापीठ से, फिर उसके बाद भास्कर किया। तो बहुत सारे राग होते हैं क्लास में, 13-14 राग होते हैं, उनको गाना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल होता है, स्टेज पे प्रैक्टिकल होता है जी। रियाज बहुत किया, बहुत मेहनत की है और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ जी। प्रवेश, आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि माता पिता के माध्यम से हमें आपको आवाज़ और एक पहचान तो मिली है, लेकिन जो एक रियाज, जैसे आपने विशारद की बात की और आपने बहुत सारे जो इसमें शिक्षा ग्रहण करने की बात की, तो कितना सुधार आता है जब हम एक चीज़ को, हमें आती ज़रूर है लेकिन जो हम सीखते हैं उससे कितना निखार उसमें और आ जाता है? सीखने से बहुत कुछ होता है, निखार तो आता ही है, साथ साथ में अंदर आप अंदर से संगीत को महसूस करने लगते हो जी। जब आप दिल से महसूस करते हो फिर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हम बचपन में तो चलो जैसा गाते हैं वैसा, जैसे किसी से सीखा, जैसा किसी से सुना वैसे गाया जी। तो सीखने से हमें पता चलता है एक एक सुर का, कि हम सुर का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सीखना चाहिए, आज के बच्चों को भी सीखना चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहिए, आजकल स्टूडियो में सब गा रहे हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो जितना रियाज करता है उतने उसकी आवाज़ में गहराई होती है जी, गहराई होती है बिल्कुल जी। तो आपके बारे में वैसे तो दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो जानना चाहते हैं वो आपका संगीत और एक और लोकगीत हमारे दर्शकों के लिए जी। जी जी, मथे लगो कुपड़ी मामा बिंदुवारो खिलो हो, धरो मथे लगो कुपड़ी मामा बिंदुवारो, धरो मथे लगो कुपड़ी मामा बिंदुवारो खिलो हो, धरो मथे लगो कुपड़ी मामा गिंदुआरो
खेलो अण धन जब गुकिल मंदा इजनो रो खेलो अण धन जब गुकिल मंदा इजनो रो सुर मांगो ता सुर मलड़ी मुरंगोरो नेगी ओ सुर मांगो ता सुर मलड़ी मुरंगोरो नेगी ओ ता देखी अबे सुर मलड़ी लगो जिया दी नेगी ओ ता देखी अबे सुर मलड़ी बहुत खूबसूरत। और हमारे दर्शक मुझे लग रहा है इस टाइम नाचने लगे होंगे, जितना हमें एंजॉय कर रहे हैं, जितना हम एंजॉय कर रहे हैं उतना ही हमारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं। जी अंजलि प्रिया, अब प्रवेश से ये जानना चाहते हैं क्योंकि जैसे बहुत चीजों गानों में हमें ये लगा कि किसी को अपने गानों के माध्यम से किसी को जो है याद करने या फिर किसी को डेडिकेट ये गाना कर रहे हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है जिन्हें आप ये गाने डेडिकेट करते हैं, जिनको याद करते हुए आप ये गाने गाते हैं और एक हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत भी हमारी लाइफ में होते हैं और सक्सेस के साथ साथ हमारे साथ जो जुड़े होते हैं उनके नाम अगर आप ये जो मैंने अभी आपको गीत सुनाया है मेरे फादर साहब का है जी, उन्होंने अपनी जिंदगी में इस गाने को बहुत प्रमोट किया, बहुत हर जगह गाया, तो अब इस दुनिया में नहीं है तो इस गाने को मैं हमेशा गाता रहता हूँ, तो ये डेडिकेशन है उनके लिए और अपने माँ बाप के लिए गाता हूँ और कोशिश है कि उनके गानों को मैं उनके गानों के जरिए उनको भी याद करता रहूँ और उनके गीतों को लोगों तक भी पहुँचाता रहूँ। बिल्कुल। और रोज़मर्रा की अगर आपकी बात करें, आपने कहा कि जितना रियाज करेंगे उतना निखरते हैं, कोई भी काम हो जितना हम उसको और ज़्यादा करते जाएंगे उतना हम में निखार आएगा और उतना ज़्यादा वो काम निखरेगा। अगर आपकी बात की जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप किस तरह रियाज के लिए समय निकालते हैं, कितना समय निकालते हैं और संगीत का जो महत्व है आपकी ज़िंदगी में वो क्या है? संगीत का तो बहुत ज़्यादा महत्व है मेरी ज़िंदगी में क्योंकि मेरी लाइफ में ये बचपन से ही मुझे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, जब से मैंने संगीत घर में भी था, अच्छे लोगों को सुना, तो मैं गीत संगीत के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ अभी भी, चाहे कोई भी काम कर लूँ गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ये करता रहता हूँ। लेकिन रियाज के लिए अब बहुत कम समय निकल पाता है क्योंकि अब जैसे परिवार में भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, तो थोड़ा चलो आधे घंटे तो मैं फिर भी कर ही लेता हूँ, आधा घंटा निकाल देता हूँ सुबह भी शाम को भी, कोशिश करता हूँ। अब आपके संगीत से जुड़े कुछ यादगार लम्हे आपसे जानना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत यादगार है और जीवन में ऐसे लम्हे मतलब एक छाप छोड़ जाते हैं जो अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम अपने पसंद का कुछ काम करते हैं तो हमेशा उसमें एक सेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है, तो वो आपसे जानना चाहते हैं। मेरा संगीत में सबसे पहला जब मैं जोनल टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था तो उसका मुझे बहुत फर्क पड़ा, मुझे लगा कि नहीं संगीत सीखना चाहिए। उसके बाद मैं यूथ फेस्टिवल में गजल में एचपी में फर्स्ट आया, उसका भी बहुत तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मेरे फादर साहब को भी बहुत खुशी हुई। उसके बाद मेरा 2005 में पहला एल्बम बना फोक का, ये भी बहुत यादगार लम्हा है, इससे मेरा स्टेज की जर्नी शुरू हुई। जो हिमाचल में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो स्टेट हो, इनमें मैं पिछले 15-20 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं अंजना, वो जैसे 5th क्लास की इन्होंने बात की, उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू रखा वो प्रोसेस और ये हमें मोटिवेशन देता है कहीं ना कहीं। और गुलाम अली जी की आपने बात की तो एक गजल उनकी, गुलाम हाँ जी, दिल की चोटों
चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया, इस करोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। पूछो न सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आए तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर से ही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही, ये कहानी फिर से ही। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। और ये जो जैसे प्रिया हमने पहले भी कहा कि गज़ल के माध्यम से एक गंभीरता जो है वो इंसान के अंदर दिखाई देती है, और हमें प्रवेश के अंदर भी वही गंभीरता जो है झलक आती है। और प्रवेश, आपसे अब ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने स्टेज शो की बात की कि जैसे आपका फर्स्ट एल्बम जब आया तो उसके बाद आपके जो स्टेज शो है वो कंटिन्यू चलते रहे, तो कोई स्टेज से जुड़ी किस्सा अगर आप सुनाना चाहते हो कि, क्योंकि धीरे धीरे जो है, वैसे तो आपने बचपन से ही स्टेज पर शुरुआत कर दी थी, लेकिन एक बड़े स्टेज में परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात होती है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ आप बताना चाहते हैं दर्शकों को। स्टेज तो मैंने जितने हिमाचल के बड़े स्टेजेस पे काम किया जी, पर सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस कुल्लू दशहरा का रहा, वो बहुत बड़ा स्टेज है जी। जब मैंने पहली बार वहाँ गाया तो बहुत खुशी हुई, बहुत ऐसा लगा कि मैं कहाँ गा रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दर्शक होते हैं, और वहाँ पे गाने का एक अलग ही एक जुनून आता है, एक अलग मज़ा है। तो ये था मेरा कि कुल्लू दशहरा में गाना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए जी। ये एक्सपीरियंस ही हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देते हैं। आपका एक बहुत ही खास, मैं कहूँ, फोक संगीत है हीरा लाड़िए, और हमने भी वो सुना है और काफ़ी लोग उसे पसंद भी करते हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना लें जी। हाथ दस किबे दुई शूणी हीरा लड़िए दुई शूणी, हाथ दस किबे दुई शूणी हीरा लड़िए दुई शूणी, बोले घर तो बिसरी
गौ दूने लड़िए गौ दूने घर तो बिसर गौ दूने लड़िए गौ दूने होटले सही गरिमा हीरा लड़िए सही गरिमा बबुरे होटले सही गरिमा हीरा लड़िए सही गरिमा बोल कपदी पीने रे लगो शरीमा हीरा लड़िए लगो शरीमा कपदी पीने रे लगो शर्मा हीरा लड़िए लगो शर्मा जी बहुत खूब। और यही जो यादगार लम्हे हैं हमें अपने जीवन में हमेशा याद रहते हैं। और प्रिया, अब क्योंकि जब हम अपनी पसंद का कुछ काम करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि वो हमेशा हमें कामयाबी दिलाता है, लेकिन एक अनुभूति जो होती है ना, सेटिस्फेक्शन, वो भी कहीं ना कहीं रहती है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ रहा कि नहीं, करियर में कुछ और करना है, लेकिन फिर एक असमंजस होते हैं, जैसे कि नहीं, कहीं संगीत की दुनिया में अगर आप जुड़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ऐसा कुछ आपके जीवन में भी रहा हो? नहीं, असमंजस तो रहा कि मैं अपने इस लाइन में मैं बहुत आगे जाना चाहता था और गजल को ज्यादा गाना चाहता था जी। तो हिमाचल में थोड़ा गजल का इतना नहीं सुनते लोग, कम सुनते हैं जी। तो वो तो है, लेकिन जो भी है, पर है तो संगीत है, इसमें जुड़ा हूँ, तो इसमें सेटिस्फेक्शन भी है, कर रहा हूँ, स्टेज कर रहा हूँ, हर जगह कर रहा हूँ, गजल भी गा लेता हूँ होटल में, जितने भी हमारे होटल्स वगैरह हैं उसमें करता हूँ गजल की दुआ मांगी जी। और गजल की जब बात होती है तो मोहम्मद रफ़ी जी की याद आती है, और मोहम्मद रफ़ी जी की एक गज़ल हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी जी को भी बहुत पसंद करते हैं, उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं जी। उनका कोशिश करता हूँ जी। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है तो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर तुमने मुझको हंसना सिखाया हो तुमने मुझको हंसना सिखाया रोने कहो गए रो लेंगे अब रोने कहो गए रो लेंगे अब सुख हमारे गम न करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर जी। बहुत खूब। तो नमस्ते हिमाचल के कार्यक्रम में प्रवेश जी आप हमारे साथ आए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। लेकिन प्रिया, अभी हम जो इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, हम ये कहना चाहते बहुत हैं सारे और सवाल हैं अंजना, अभी हम कुल्लू को अगर आप कहना चाहते हैं तो कैसे आप उन्हें अपने गानों के माध्यम से उस वहाँ की संस्कृति को बयां करेंगे? एक गीत है उसका, उसको गाता हूँ मैं भी, कोशिश करूँगा।
कुड़म नाल ही लगा मेला, कुड़म नाल ही लगा मेला, ओ इंदिरा आंधी के ना कुड़म नाल ही लगा मेला, कुड़म नाल ही लगा मेला, ओ इंदिरा आंधी के ना कुड़म नाल ही पेड़री छैया, कुड़म नाल ही पेड़री छैया, इंदिरा नाचो ता तो थिया, इंदिरा नाचो ता तो थिया, ताखेया ढोल बजाऊं, ताखेया ढोल बजाऊं, वो इंदिरा आंधी के ना कुड़म नाल ही लगा मेरा, वो इंदिरा आंधी के ना आंधी के ना। प्रिया, मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि प्रवेश जी से एक बार ये जरूर जानना चाहते कि उनके दिल के जो बहुत करीब हो ऐसा कोई गाना जो आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम फेवरेट, हम बोल सकते हैं कि हमेशा से मेरे दिल के ये करीब रहता है। ठीक है, ये मेरे, ये भी मेरे फादर की कंपोजिशन है, पूरे इंडिया में बहुत फेमस रही है। जी। बूंदा बरस रही हैं, बूंदा बरस रही पिया ना जा ना जा जम दे पहाड़, पिया ना जा ना जन्म दे पहाड़, बूंदा बरस रहा है, तेरे बिन थी मेरा नहीं हूं और कोई, अम्मा बाप छड़ी के मैं तेरी होई, तेरी होई, पिया सुन जा दिल री पुकार, पिया सुन जा दिल री पुकार, बुंदा बरस रहा है। बहुत खूबसूरत। और अगर बात करें हमारे जो उभरते जो कलाकार हैं, जो उभरते संगीतकार हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या मैसेज दिया जाए, जो बहुत सारे लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या कुछ आपको उन्हें कहेंगे जो उभरते अभी कलाकार हैं? और साथ ही इसमें ऐड मैं करना चाहती हूँ प्रिया, के जो आगे आने वाले आपके मतलब संगीत से जुड़े जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी इसी में आप बताएंगे क्या करना चाहते हैं आगे? देखो, जो नए बच्चों को जो सीखना म्यूज़िक सीख रहे हैं उनको प्रॉपरली सीखना चाहिए, तभी उनको मार्केट में गाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है, तो जो एक बार स्टूडियो चला जाता है उसको लगता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ को वहाँ बनाया जाता है, उसकी आवाज़ को प्योरीफाई किया जाता है, ऑटो ट्यून लगाया जाता है, रिदम भी वो किया जा सकता है, रिदम को भी सेट किया जा सकता है, तो ताल की भी ज़रूरत नहीं। तो मैं मानता हूँ कि इसको सीखना चाहिए, संगीत को सीरियसली सीखना चाहिए, तब जाके मार्केट में अपने आप को आना चाहिए, तब गाना चाहिए। और जैसे मेरे आने वाले वो है, मैं अभी कुछ ट्रेडिशनल भी गा रहा हूँ, कुछ नए गीत भी गा रहा हूँ, तो वो मेरे अभी मार्केट में आने वाले हैं, उसका अभी मैं
लॉन्च करने वाला हूँ। तो हम तो यही कहेंगे प्रिया कि आगे आने वाले भविष्य के लिए और आपके जो भी आगे कार्यक्रम होने वाले हैं उसके लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, और हम चाहते हैं कि आप जो कार्यक्रम में आए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों हमें दीजिए इजाजत और आपको छोड़ जाते हैं एक खूबसूरत संगीत के साथ, और वो भी प्रवेश की ही आवाज के साथ। जी जी, फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। रात भर पिछली आहट कान में आती रही, रात भर पिछली